हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई की ओर से 12 नवंबर को एक नेशनल लेवल का सर्वे किया जाना है, जिसका नाम है एनएएस, यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा पाँचवीं के इस सर्वे के लिए इस परीक्षा के कितने सेट होंगे और हर एक सेट में प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी और किस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो बच्चों, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एनएएस 2021 जो कि होगा 12 नवंबर को। इसमें विषय हैं हमारे हिंदी, गणित और ईवीएस। तो पांचवी क्लास के लिए जो प्रश्नों की संख्या होगी वो हिंदी में रहेगी 15, गणित में होगी 20 और ईवीएस में रहेगी 18। यानी कुल मिलाकर कक्षा 5 के लिए 53 प्रश्न तैयार किए जाएंगे और ये 53 प्रश्न जो हैं वो आपको 90 मिनट में करने होंगे, यानी 1.5 घंटे में। इस परीक्षा के चार चार सेट होंगे और सभी प्रश्न जो हैं वो एमसीक्यू होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको हर एक प्रश्न के लिए चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार चॉइसेस होंगी। और उन चार चॉइसेस में से आपको जो सही है वो एक छांटना होगा, सही वाले उत्तर पर आपको सर्कल करना होगा। तो ये तो थी इस सर्वे से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं और कक्षा 5 से संबंधित इस सर्वे से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट है, नास 2021 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, देखें किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन पेपर को 1.5 घंटे के अंतराल में करना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ग्रेड 5 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट जो यहाँ लिया गया है वो है ईवीएस। सब डोमेन्स, ये वीक 1 के लिए आपकी प्रैक्टिस है, फर्स्ट वीक के लिए। हर वीक आपको इसी प्रकार एससीईआरटी की ओर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे ताकि आप इस सर्वे की तैयारी कर सकें। वीक 1 में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सब डोमेन्स कवर्ड किए गए हैं वो हैं परिवार, रिश्ते और विस्थापन, खेल, स्वच्छता, सहकारी संस्थाओं की भूमिका और भोजन। तो आइए इसे शुरू करें। बच्चों, इस सर्वे के क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। आइए देखें, प्रश्न नंबर 1, नीचे मीना का परिवार वृक्ष दिखाया गया है, इसके आधार पर बताएं राकेश की शादी हुई और उसकी एक बेटी हुई, राकेश की बेटी और दीनानाथ में क्या संबंध है। तो बच्चों, हमें संबंध बताना है राकेश की बेटी का, राकेश की एक बेटी हुई और दीनानाथ का। तो दीनानाथ कौन है? दीनानाथ है राकेश के पिता। तो दीनानाथ और राकेश की बेटी जो होगी उनका संबंध आपस में क्या होगा? वो होगा दादा पोती का। तो यहां आप ऑप्शन देखें, भाई बहन, पिता पुत्री, दादा पोती या कोई संबंध नहीं। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा है? वो है गय। तो इस गय को सर्कल करें इस प्रकार से। आइए आगे चलें, प्रश्न नंबर 2, एक ब्रेड पर कुछ पानी की बूंदें डालकर 4 से 5 दिन के लिए उसे पॉलिथीन में पैक करके रखें, 4-5 दिनों के बाद आप ब्रेड में क्या परिवर्तन देखेंगे। तो बच्चों, ब्रेड को जब हम पानी की बूंदें डालकर 4-5 दिन के लिए पॉलिथीन में बंद करके रखेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, आइए देखें ऑप्शन क्या क्या हैं। ब्रेड फूल कर दोगुना हो जाएगी, ब्रेड पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी, ब्रेड पॉलिथीन की सारी हवा सोख लेगी या ब्रेड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बच्चों, इसका सही उत्तर होगा खैर, ब्रेड पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी, ब्रेड विल बी कवर्ड विद ग्रीन लेयर। और वो ग्रीन लेयर क्या होती है? वो होती है फफूंदी।
आइए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी कक्षा में आया नया छात्र सुमित मूक और बधिर है, यानी वो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। अध्यापक द्वारा कुछ पूछने पर उसने अपनी बात कैसे समझाई होगी? शरीर के हाव भाव और संकेतों द्वारा, उछल कूद करके, जोर जोर से चिल्लाकर या हंसकर? बच्चों इसका सही उत्तर होगा कै, शरीर के हाव भाव और संकेतों द्वारा। वो बोल नहीं सकता लेकिन वो अपने मुंह से, एक्सप्रेशन से, गेस्चर से और संकेतों से अपनी बात को बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सड़क को चौड़ा करने के लिए सड़क के किनारे पर बनी झुग्गियों को हटा दिया गया, कंचन भी वहां रहती थी, इस स्थिति के कारण कंचन के जीवन में क्या बदलाव आएगा? तो बच्चों वो जहां रहती थी कंचन, उनकी झुग्गियों को हटा दिया गया तो उसकी स्थिति में क्या बदलाव आएगा जीवन में? रहने के लिए नया घर बनाना होगा, घर का पूरा सामान नया खरीदना होगा, माता पिता से अलग रहना होगा या अपनी पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़नी होगी? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा कै, रहने के लिए नया घर बनाना होगा। आइए आगे देखें। आगे है प्रश्न नंबर 5, किस प्रकार का शौचालय प्रयोग के लिए स्वच्छ और सुरक्षित होता है? खेतों में खुला शौच पानी के साथ, ढका हुआ शौचालय पानी के बिना, ढका हुआ शौचालय पानी के साथ, सार्वजनिक शौचालय पानी के बिना? तो बच्चों इसके लिए होगा सही उत्तर है गै, शौचालय ढका हुआ होना चाहिए और वहां पानी भी होना चाहिए, तो ढका हुआ शौचालय पानी के साथ। प्रश्न नंबर 6, सुनील अपने बचाए हुए रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए जमा करवाना चाहता है, इसके लिए उसे कहाँ जाना चाहिए? बच्चों आप सब जानते हैं कि पैसों को हमें कहाँ जमा कराना चाहिए, वो हमें कराने चाहिए बैंक में जमा, तो इसका सही उत्तर है गै, बैंक। आइए आगे चलें। प्रश्न नंबर 7, रोहित कार चलाकर अपने गांव अपने दादा दादी से मिलने गया, कार चलाने वाले को निम्न में से अपने साथ किस दस्तावेज को रखने की जरूरत नहीं है? तो हमें वो दस्तावेज बताना है जिसकी कार चलाते समय जरूरत नहीं होती। ड्राइविंग लाइसेंस वो हमें चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी हमें चाहिए, गाड़ी का सर्टिफिकेट, प्रदूषण सर्टिफिकेट ये भी चाहिए, और आखिरी है आधार कार्ड। आधार कार्ड रखना ड्राइविंग करते टाइम इतना जरूरी नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा घै, ये हमें नहीं चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 8, क्रिकेट के एक कोच ने लड़कियों को क्रिकेट सिखाने और मैदान में खेलने के लिए मना कर दिया, कोच के व्यवहार पर की गई 4 लड़कियों की प्रतिक्रिया नीचे लिखी हुई है, आपके विचार में किसकी प्रतिक्रिया सही है? कह सुरेश, बिल्कुल सही, यह खेल लड़कियों का नहीं है। ख आकाश, मैदान में केवल लड़के ही खेल सकते हैं। ग नीरज, लड़कियां भी क्रिकेट सीख और खेल सकती हैं। घ राकेश, लड़कियों को केवल पढ़ना और टीवी देखना चाहिए। तो बच्चों इन चारों में से जो नीरज है ग भाग, उसके जो विचार हैं वो सही हैं, लड़कियां भी क्रिकेट सीख और खेल सकती हैं। आइए आगे चलें। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा काम पुलिस नहीं करती? पुलिस नहीं करती, सार्वजनिक संपत्ति का बचाव, बड़े आयोजनों में भीड़ का नियंत्रण, नियम और कानून का पालन या ऋण देना, लैंडिंग मनी? तो बच्चों इसका सही उत्तर है घ, ऋण देना, ये कार्य पुलिस
नहीं करती। आगे प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए ग्राफों को देखो। सार्वजनिक कूड़ेदान की संख्या वर्ष 2015 और नीचे है सार्वजनिक कूड़ेदान की संख्या वर्ष 2020। तो यहाँ नेहरू पार्क में ये जो संख्या है ये है 25, पालिका बाजार की संख्या है 30, मैक्स अस्पताल की संख्या है 50 और बस स्टैंड की संख्या है 40। इतने 2015 में यहाँ सार्वजनिक कूड़ेदान थे। आइए 2020 में इनकी संख्या देखें। नेहरू पार्क है 25, पालिका बाजार 35, मैक्स अस्पताल 75 और बस स्टैंड पर हैं 40। आइए इससे संबंधित प्रश्न पढ़ें। वर्ष 2015 के मुकाबले वर्ष 2020 में किन दो स्थानों पर कूड़ेदानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई? तो बच्चों यहाँ हमने देखा था वर्ष 2015 और 17 का ये ग्राफ, जिसमें आप देख सकते हैं नेहरू पार्क की संख्या 25-25 सेम है, यहाँ कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पालिका बाजार में आप देख पाएंगे संख्या बढ़ी है, 30 से 35 हुई, और इसी प्रकार से मैक्स अस्पताल में आप देख पाएंगे 50 से वो संख्या बढ़कर 75 हुई। तो कूड़ेदानों की संख्या बढ़ी पालिका बाजार और मैक्स अस्पताल में। तो इसका सही उत्तर होगा खै भाग, पालिका बाजार और मैक्स अस्पताल। आइए आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 11। आरती जूडो खेलती है, उसे खेलने में निपुण होने के लिए क्या करना चाहिए? आरती प्लेज जूडो। टीवी अधिक देखना चाहिए, माता पिता के घर के कामों में सहायता नहीं करनी चाहिए, उचित आहार व नियमित अभ्यास करना चाहिए या तली हुई चीजें खानी चाहिए? तो बच्चों अपने खेल में निपुण होने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे उचित आहार व नियमित अभ्यास करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर गै। आगे है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से खेलों का वह कौन सा समूह है जिसमें सभी खेल बिना सामान के खेले जाते हैं? बिना सामान के हॉकी, क्रिकेट और कुश्ती, ये सही नहीं है क्योंकि हॉकी और क्रिकेट में सामान चाहिए खेलने के लिए, बैट बॉल आदि। अगला है जूडो, कुंग-फू और कराटे। तो बच्चों इसका सही उत्तर खै भाग है। जूडो, कुंग-फू और कराटे में खेल का कोई सामान नहीं चाहिए, वो हमें अपने हाथ पैरों से ही करने होते हैं। अगला फुटबॉल, ताइक्वांडो और क्रिकेट, इनमें भी सामान चाहिए, और स्टापू, गिल्ली डंडा और पीटू, इनमें भी सामान चाहिए। तो इसका सही उत्तर खै। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 13। अपने आसपास के परिवेश की सफाई रखने से संबंधित कौन सा कथन निम्न में से सही है? सफाई का काम छोटा होता है, यह हमें नहीं करना चाहिए। सफाई का काम केवल महिलाओं का काम है। अपने परिवेश की सफाई की जिम्मेवारी हम सब की है, या सफाई का कार्य विशेष वर्ग के लोगों को ही करना चाहिए? बच्चों इसका सही उत्तर है गै। अपने परिवेश की सफाई की जिम्मेदारी हम सब की होनी चाहिए। आगे चलें। प्रश्न नंबर 14। नीता की माँ आंवले को साल भर खाने के लिए परिरक्षित करना चाहती है, वे यह कैसे कर सकती है? गीले कपड़े में लपेट कर रख सकती है, उबाल कर रख सकती हैं, चीनी डालकर मुरब्बा बना सकती हैं, या पानी में भिगो कर रख सकती हैं? बच्चों इसका सही उत्तर है गै। चीनी डालकर आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है ताकि वो परिरक्षित रख सके। आगे देखें प्रश्न नंबर 15। लुक एट द पिक्चर बिलो। बच्चों यहाँ आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं। आपके अनुसार कौन सा कथन सही है? इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। इसे करने के लिए शरीर में संतुलन और लचीलापन होना चाहिए। ये केवल बच्चे ही कर सकते हैं, या
यह खेल केवल लड़कियों के लिए ही है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ख। इसे करने के लिए शरीर में संतुलन होना चाहिए और लचीलापन भी होना चाहिए। तो बच्चों ये थे ईवीएस से परिवेश अध्ययन से 15 क्वेश्चंस जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला भाग है हिंदी, और हिंदी के लिए वीक वन के लिए यहां सब डोमेन जो है वो कवर किया गया है, गद्यांश तथा पद्यांश आधारित समझ। आइए इन्हें देखें। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहां हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा, जारे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो बच्चों ये कुछ पंक्तियां थी, इससे संबंधित आइए प्रश्न देखें। चित्रकार की सांस क्यों फूल रही थी, वह जल्दी में था, वह बीमार था, वह घबराया हुआ था, या वह चित्र बनाना चाहता था। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ग, वह शेर को देखकर घबराया हुआ था। आगे प्रश्न नंबर 2, शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने के लिए कहा। तो बच्चों शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने के लिए कहा, ऑप्शंस हैं कलम और कागज, थैला और ब्रश, रंग और कागज, कलम और शाही। तो बच्चों यहां ऊपर पंक्तियों में आप देख सकते हैं शेर ने उसे कलम और कागज ले जाने के लिए कहा, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। तो इसका सही उत्तर है कलम और कागज क। अगला प्रश्न नंबर 3, चित्रकार ने जाते जाते शेर को क्या अभ्यास करने को कहा। बच्चों चित्रकार ने जाते जाते उसे चित्रकला का अभ्यास करने के लिए कहा था। अगला, शेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सिंह, केसरी, मृग या वनराज। बच्चों इसमें सिंह, केसरी और वनराज जो है वो शेर शब्द का पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो मृग है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहां हमारा सही उत्तर है मृग, जो कि एक हिरण होता है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 5, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक वाक्य में रेखांकित पद का विलोम शब्द है। तो डरपोक का हमें विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बताना है। विलोम क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द। तो कायर का डरपोक का विपरीतार्थक क्या होगा, कामचोर, निडर, बलवान या धनवान। इसका सही उत्तर है ख, निडर, जो किसी से ना डरे। अगला है प्रश्न नंबर 6, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, तो मूर्ति बनाने वाले को क्या कहेंगे, मूर्तिवान, मूर्तिकार, मत्स्यकार या बेलदार। इसका सही उत्तर है ख भाग, मूर्तिकार। आइए आगे देखें। बच्चों यहां आगे हमें एक गद्यांश और दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आइए इसे पढ़ें। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आया, उसने उसके पास 3 बंदरों की मूर्ति देखी। उसे देखकर वह हैरान सा रह गया। एक बंदर ने दोनों हाथ आंखों पर रखे हुए थे, दूसरे बंदर ने अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद कर रखा था, तीसरे बंदर ने दोनों हाथ मुंह पर रखे हुए थे। वह व्यक्ति हैरानी से बोला, बापू ये सब क्या है। बापू बोले, ये सब मेरे गुरु हैं। वह समझा नहीं, बोला, बापू ये सब आपके गुरु कैसे हैं। बापू ने समझाया, देखिए पहला मुझसे कहता है
बुरा मत देखो, दूसरा कहता है बुरा मत सुनो, और तीसरा कहता है बुरा मत कहो। बापू के उपदेश में इतनी सरलता देखकर व्यक्ति समझ गया कि हम सभी को उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, सारी बुराइयां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो बच्चों ये था गद्यांश, आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पढ़ें और उनके उत्तर दें। व्यक्ति ने जिस मूर्ति को देखा वह किसकी थी, शेर की, हाथियों की, बंदरों की या खरगोश की? बच्चों वो मूर्तियां थी बंदरों की। अगला, मूर्ति में दूसरे बंदर ने क्या कर रखा था? बच्चों ऊपर हमने पढ़ा था, पहला बंदर अपने आंखों को ढके हुए था और दूसरा बंदर अपने कानों को। तो आइए देखें ऑप्शन क्या है। आंखें बंद कर रखी थी, कान बंद कर रखे थे, मुंह पर हाथ रखे थे या दोनों हाथ जोड़े थे? तो इसका सही उत्तर है कान बंद कर रखे थे। अगला प्रश्न नंबर 3, बापू ने अपना गुरु किन्हें माना है, शेर को, तीन बंदरों को, हाथी को या केवल एक बंदर को? इसका सही उत्तर है तीन बंदरों को। बापू के उपदेश की सरलता देखकर व्यक्ति समझ गया, वाक्य में रेखांकित पद का विलोम क्या है? तो बच्चों रेखांकित यानी जिसको हमने अंडरलाइन कर रखा है, और वो शब्द है सरलता। सरलता के नीचे आप देख पाएंगे ये रेखा है, ये है रेखांकित पद, इसका हमें बताना है विलोम यानी इसका विपरीत, उल्टा। तो सरलता का विपरीत होगा आसान, जटिलता, कोमल या कठोर, और इसका सही उत्तर है जटिलता। आगे प्रश्न नंबर 11, बुराई शब्द का बहुवचन है, तो बुराई शब्द का बहुवचन क्या होगा, वो आपको इन चारों में से छांटना है, कौन सा सही दिया गया है? बच्चों वो है सही वाला जो ऑप्शन है वो है ख भाग, बुराइयां। आइए आगे देखें, आगे है प्रश्न नंबर 12, श्रम शब्द का सही अर्थ है, श्रम, कर्म, मेहनत या श्रमिक? बच्चों श्रम का अर्थ है मेहनत। आगे है प्रश्न नंबर 13, बारिश की झमाझम के साथ बादलों के गरजने की आवाज कैसी होती है? तो हमें यहां बताना है बादलों की आवाज, वो किस प्रकार से गरजते हैं, चमचम, छमछम, गड़गड़ या कड़कड़? इसका सही उत्तर है गड़गड़। आइए आगे देखें बच्चों, यहां आगे हमें एक सूचना पट पर दी गई सूचना दी गई है, आइए इसे पढ़ते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुरुग्राम, सूचना पट, दिनांक 22 सितंबर 2021 को जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया जिसमें खो खो, कबड्डी व बैडमिंटन खेल शामिल थे। इन प्रतियोगिताओं में अपने विद्यालय की खो खो टीम द्वितीय, बैडमिंटन टीम तृतीय तथा कबड्डी को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनांक 1 नवंबर 2021 को विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के लिए विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी महोदया को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, प्रधानाचार्य। तो बच्चों ये एक सूचना दी गई है और नीचे इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आइए पढ़ें। प्रश्न है 14 नंबर, जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में कौन कौन से खेलों का आयोजन हुआ? तो बच्चों वो कौन कौन से खेल थे, ऊपर यहां हमने इस सूचना पट में पढ़ा था, वो थे खो खो, बैडमिंटन तथा कबड्डी। तो ऑप्शंस में देखें खो खो, बैडमिंटन तथा कबड्डी, और यहाँ क भाग में आप देख पाएंगे खो खो, बैडमिंटन और कबड्डी। तो ये इसका सही उत्तर। अगला है, विद्यालय की टीम ने कौन से खेल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो बच्चों कौन से खेल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, वो था खो खो में। तो इसका सही उत्तर ग भाग, खो खो।
अगला है, बैडमिंटन में तृतीय विजेता टीम कौन से विद्यालय की रही? राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला रेवाड़ी, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला पटौदी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुरुग्राम या राजकीय प्राथमिक पाठशाला पटौदी? और इसका सही उत्तर है गय राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुरुग्राम। अगला है प्रश्न नंबर 17, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई? बच्चों उसके लिए निश्चित की गई 1 नवंबर। तो इसका सही उत्तर घ भाग। आइए आगे चलें। प्रश्न नंबर 18, पुरस्कार देने के लिए किसे आमंत्रित किया गया? और वो आमंत्रित किया गया था जिला शिक्षा अधिकारी को। तो बच्चों ये था हिंदी का अभ्यास, जिसमें हमारे पास यहाँ 18 प्रश्न थे। तो ईवीएस की हमने प्रैक्टिस की ऊपर, फिर हमने की हिंदी की। आइए आगे चलते हैं। अगला भाग है गणित, और गणित के वीक फर्स्ट में जो सब डोमेन कवर्ड किया गया है वो है बौद्धिक तार्किक व विश्लेषणात्मक समझ। आइए इसे शुरू करें। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, 1 लीटर दूध का मूल्य 55 रुपये है, तो 5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? बच्चों हमें 1 का मूल्य दिया गया है और निकालना कितने का है, 5 लीटर का। तो कम से जब हम ज़्यादा का निकालते हैं तो हमें उसे गुणा करना होगा। तो 5 को हम 55 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो भी आपका आएगा ये आया 275। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 275। अगला प्रश्न नंबर 2, 500 ग्राम के कितने बाट मिलकर 2 किलो के वजन के बराबर होते हैं? बच्चों यहां हमारे पास 2 वेट दिए गए हैं, एक तो है 500 ग्राम और एक है 2 किलो यानी 2 किलोग्राम। सबसे पहले इनकी यूनिट सेम कर लें, और यूनिट सेम कब होगी, जब हम इस 2 किलोग्राम को ग्राम में करेंगे चेंज, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2000 ग्राम। अब 2000 ग्राम को जब हम भाग करेंगे 500 ग्राम से, 20 से 20, ऊपर बचा 20, नीचे 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ये हमारे पास आया 4। तो इसका मतलब कितने बाट होंगे हमारे पास 500 ग्राम के, 4 बाट। अगला प्रश्न नंबर 3, एक दीवार 6.5 मीटर ऊंची है, उसे 10 मीटर तक बढ़ाने के लिए कितनी ओवर बढ़ानी पड़ेगी? यानी हमें कुल दीवार की लंबाई चाहिए 10 मीटर, हमारे पास है कितनी, 6.5 मीटर। तो जब हम 10 में से इस 6.5 को घटाएंगे तो जो बचा हुआ आएगा वो होगी हमें कितनी और बढ़ानी है। तो 10 में से 6.5 को घटाएं, 10 में से एक हमने यहाँ लिया, ये 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा हमारे पास 9, 9 में से 6 गए 3, यानी 3.5 मीटर, 3.5। तो इसका सही उत्तर है 3.5 मीटर। अगला भाग प्रश्न नंबर 4, 4 गायें व 5 मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी होगी? बच्चों 4 गायें, तो 4 गायें, गायें के कितने पैर होते हैं, 4, और 5 मुर्गी, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, तो 4 चौके 16, ये तो हो गए कुल पैर गायों के, और 5 दुनी 10, ये पैर हो गए मुर्गियों के, तो कुल संख्या कितनी हुई इनकी, 6, 2, 26। तो इसका सही उत्तर अ। आगे यहां आप देख सकते हैं बच्चों कुछ सिंबल हमें दिए गए हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, जो जमा होकर आया 300, यानी ये तीनों चीजें बराबर हैं और जिनका जोड़ आया 300। जब 300 को 3 से हम भाग करेंगे तो ये आएगा 100, यानी एक वस्तु जो होगी ये
ये ट्राइंगल एक ट्राइंगल वो किसके बराबर आया 100 के। और इसी प्रकार से ये यहाँ हमें सिंबल दिए हैं सर्कल, तीन सर्कल को जोड़ने के बाद आया 150। तो 150 को भी 3 से भाग करके देखें, ये आएगा 50। इसका मतलब एक सर्कल की जो वैल्यू है वो है 50। तो हमें मान बताना है एक ट्राइंगल और एक सर्कल का, यानी 100 जमा 50। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 150। आइए आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 6। एक बगीचे में 500 पौधे हैं, इनमें से 120 गुलाब, 150 गेंदे व 80 चमेली हैं और शेष पौधे मोगरा के हैं, तो मोगरा के पौधे कितने हैं। तो बच्चों कुल पौधे हैं 500 और जो गुलाब के, गेंदे के और चमेली के पौधे हैं वो मिलाकर होंगे 120, 165 व 80। तो ये हुए हमारे पास 5, 365 गुलाब, गेंदे और चमेली के पौधे मिलाकर हुए 365। तो 500 में से जब हम 365 घटाएंगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास बचे हुए शेष पौधे जो कि मोगरा के हैं। तो 500 में से 365 को घटाएं, 10 में से 5 गए, 5 3 1, और इसका उत्तर आया 135। अगला है प्रश्न नंबर 7। 5/2 को चित्रात्मक रूप में दर्शाएंगे। तो बच्चों यहाँ हमें नीचे चित्र दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है 5/2 के लिए सही चित्र कौन सा है। बच्चों ये 5/2 जो दिया गया है ये यहाँ हमें संख्या गलत दी गई है, क्योंकि नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है कुल भाग और उसमें से हम कुछ भाग जो शेष भाग लेते हैं वो ऊपर की ओर लेते हैं, लेकिन 2 में से 5 भाग नहीं बन सकते। हाँ 5 भाग में से 2 बन सकते थे, तो इस 5/2 की जगह आप करें 2/5। हो सकता है यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो, तो इसे हम लिखेंगे 2/5, यानी 5 में से 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 में से 2 किस में है शेडेड, यहाँ 6 हैं और 6 में से 5 शेडेड हैं, यहाँ आप देख पाएंगे बॉक्सेस हैं 5 और 5 में से 5 शेडेड हैं। सब भाग में आप देख पाएंगे 5 में से 4 शेडेड हैं और जो अभाग है पहला भाग वो 5 में से 2 भाग शेडेड हैं। तो इसका सही उत्तर है अ। अगला है प्रश्न नंबर 8। कमरे की दीवार व फर्श के बीच कोण होता है। तो बच्चों कमरे की दीवार जो होती है और फर्श जो होता है उसके बीच का हमें कोण बताना है कि ये कोण कौन सा होता है, सरल कोण, अधिक कोण, न्यून कोण या सम कोण। बच्चों उसके बीच होता है 90 डिग्री का एंगल और वो कोण होता है सम कोण। अगला प्रश्न नंबर 9। 2 घंटा 15 मिनट और 4 घंटे 55 मिनट मिलाकर कुल समय होगा। तो यहाँ हमें ये कुल समय बताना है 2 घंटे और 15 मिनट, 2 hours 15 मिनट और 4 hours 55 मिनट। तो मिनट को मिनट में जोड़ें और आर्स को आर्स में जोड़ें, 4 और 2 6 हो गए और 55 और 15 हो गए। यहाँ हमारे पास मिनट आई 70, लेकिन 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो इस 70 को हम लिख सकते हैं 60 जमा 10, यानी 60 मिनट और 10 मिनट। इस 60 मिनट को हम घंटा बना देंगे 1 आर, तो ये जो 1 आर होगा, 1 घंटा होगा, वो यहाँ आर के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो गए कुल 7 घंटे, 7 hours and 10 minutes जो बची हुई मिनट थी। तो 7 घंटे 10 मिनट। अगला है प्रश्न नंबर 10। घड़ी में सबसे धीमी गति से घूमने वाली सुई है मिनट की, घंटे की, सेकंड की या कोई नहीं।
बच्चों, घड़ी में सबसे धीमी गति वाली जो सुई होती है घंटे की, और सबसे अधिक गति वाली सेकंड की होती है। अगला प्रश्न नंबर 11, घड़ी में समय है। बच्चों, यहाँ आपको घड़ी में दिया गया समय बताना है 7:10, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि छोटी सुई जो है वो 7 से हल्की सी आगे होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, 2:30। तो बच्चों, ये जो ब है ये सही है, 2:30, क्योंकि जो छोटी सुई है वो 2 से थोड़ी आगे है और जो मिनट की सुई है वो 6 पर है, जहां 30 मिनट होती हैं। आइए आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 12, निम्न चित्र में छायांकित भाग का मान होगा। बच्चों, जो छायांकित भाग है 1, 2, 3, वो भाग है 3, और वो कुल कितने भागों में से हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो छायांकित भाग है ये है कुल 8 भागों में से, तो इसका सही मान होगा 3/8। आगे प्रश्न नंबर 13, 29, 24, 19, खाली स्थान 9, रिक्त स्थान में संख्या होगी। तो बच्चों, यहाँ हमें संख्या बतानी है क्या होगी, 16, 14, 20 या 25। आइए देखें, यहाँ आप पैटर्न देख सकते हैं कि संख्याएं कम होती जा रही हैं, और कितनी कितनी कम होती जा रही हैं वो देखें, 29 के बाद है 24, जो कि आएगा 5 घटाने पर। इसी प्रकार से 24 में से जब हम 5 घटाएंगे तो आएगा 19। तो सेम पैटर्न आगे भी रखें, जिस प्रकार हर संख्या में -5 हो रहा है तो आगे 20 में से 5 घटा दें, 19 - 5 होगा 14, और आगे भी आप देख पाएंगे 14 में से जब हम -5 करेंगे तो आएगा 9। तो इसका मतलब सही संख्या है बी, 14। आगे है प्रश्न नंबर 14 व 15 के लिए, 5वीं कक्षा के 45 विद्यार्थियों से उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों के नाम पूछे गए। तो बच्चों, यहाँ हमें कुछ फलों के नाम दिए गए हैं और 45 बच्चों का यहाँ डाटा है कि कौन कौन से फल कितने बच्चों को पसंद हैं। आइए देखें, सेब, सेब पसंद है 13 बच्चों को, संतरा 8 बच्चों को, आम 12 बच्चों को, केला 3 बच्चों को, अनार 9 बच्चों को, और कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई यहाँ 45। आइए इस डाटा से रिलेटेड प्रश्न पढ़ें। सेब व संतरा पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या का अंतर है सेब व संतरा। तो यहाँ आप देखें, सेब कितनी है 13, और संख्या को पसंद करने वाले हैं 8, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 21 जो सेब और संतरा पसंद करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 15, केला तथा अनार पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को भिन्न में व्यक्त करो। तो बच्चों, यहाँ आपको केला तथा अनार में भिन्न बताना है, तो केले वाले बच्चे हैं 3 और अनार को पसंद करने वाले हैं 9, इनका भिन्न क्या होगा, 3 × 3, 3 × 9, 1/3, यानि अ, तो इसका सही उत्तर अ भाग। तो बच्चों, ये थे 15 क्वेश्चन गणित से। तो बच्चों, इस प्रकार से 5वीं क्लास का नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है वो होना है। प्रश्नों की संख्या आपको बता दी गई है, किस प्रकार से कितने प्रश्न आएंगे, किस भाग से। ये आपका होगा परिवेश अध्ययन हिंदी तथा गणित के लिए। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को दोबारा देखें, दिए गए इन प्रश्नों को रिवाइज करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज हमने वीक 1 की प्रैक्टिस की, इसी प्रकार से वीक 2 और वीक 3 और आगे आने वाले ऐसे ही और भी वीक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए, उनके वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।